जोहार, स्वागत है अपन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखो तो मैं हूँ अपन संग तृप्ति सोनी। संझा के 5:30 बज के है बिना है छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दा के गोट करे के बड़े मुद्दा हब है बैगा आदिवासी के मौत। इलाज कैसना है जनजाति वाले इलाका में ये एक बहुत बड़े सवाल अभी बने हुए हैं। कवर्धा के आप ला घटना बता थन, कवर्धा के तरेगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में एक लड़का ला लाने गेस जिला सांप काटे रही सब है, सांप चावे रही से 9 बच्चर के बैगा आदिवासी लेकर घायल सांप चावे ले वहां घायल हुई रही से तहले उला पहली उप स्वास्थ्य केंद्र लाएगी गई उप स्वास्थ्य केंद्र ले उला बोरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे गई रही से काफल के उकर हालत गंभीर रही से लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिले और एम्बुलेंस जहां तक पहुंचे रही से तहां तक उमन बाइक में ड्रिप लगे रही से हाथ में वो बाबू के हाथ में ड्रिप लगे रही से और वैसने हालत में वाला एम्बुलेंस पर चढ़ा है और वैसने हालत में ड्रिप लेके लेको मन आए रही है बोरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर करे की पहली ही आधा रद्दा में ही लड़का की मौत हो गई। एम्बुलेंस तब मिले जब लड़का की मौत हो गई रही सब है। लीला दादर गांव के रहियारी से बैगा बालक है और ये पूरा मामला का ही आपन ला बताए हैं कि लीला दादर गांव के रहिया बैगा लेकर सांप 24 तरेगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में उनको इलाज चल रही है सब बोरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओला रेफर करे डॉक्टर मन कावर के ऊपर हालत गंभीर रही से आधा रद्दा में ही लड़का की मौत हो गई। 9 बच्चर के लड़का ला बेरा में एम्बुलेंस नहीं मिल पाई से और पिताजी का कहा थे यही सुनाबो आपने लेकिन सतीश संबोली हमारे सहयोगी जुड़ गए है दर्रा जानकारी के संग में। सतीश बैगा आदिवासी जिन होते ते मन के स्थिति का ही का ये लड़का ला जब सांप 24 तो तुरंत अस्पताल ले गई रही है का करत रही है और जो स्वास्थ्य केंद्र है उप स्वास्थ्य केंद्र उकर को लापरवाही दिखा थे का? जी बिल्कुल मैं दो बात है तृप्ति जी मैं बता दूं कि पहली तो ये बात कि देखो बैगा जनजाति के लोग मन है काफी दूर दराज और जंगल में रहते तो थोड़ा तो जागरूकता की कमी रही थे। कल 3 बजे सांप काटे रही थे बावजूद जो है कल ही वाला अस्पताल ले आना रही थी लेकिन अस्पताल नहीं लाई सुबह 9-10 बजे के आसपास जब लेके आई नहीं तो लेके आई थी तो उसके बाद इधर कहना है इधर परिजन मन के कहना है कि 2 घंटा अस्पताल में रखे के बाद कहीं की अब अपना रेफर करना है स्वास्थ्य अगर बिगड़ा जावा थे कहीं एम्बुलेंस ला फोन करेगी तो एम्बुलेंस ला फोन करी तो समय में एम्बुलेंस नहीं आई तो वहाँ के जन डॉक्टर रही है तेन मन इमला ड्रिप लगा के और इसने भेज दी। लापरवाही तो स्वास्थ्य विभाग के घलो हवा कि जब इमला रेफर करेगी रही है तो मोटरसाइकिल में काबर रेफर करेगी तो मोटरसाइकिल में रेफर करेगी तो एक भी स्वास्थ्यकर्मी संग में रहना रही थे काबर की स्वास्थ्य ऐसे भी देखे थे कि गंभीर स्थिति बने रही थे। हालांकि 25 किलोमीटर दूर में जब उमला जाना रही थे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलना मा तो रास्ता में लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पहुंचे रही ने तभी एम्बुलेंस रास्ता में मिली से तब इमन हाँ लड़का ला एम्बुलेंस में ट्रांसफर करी से सत्या बेर तक के लड़का के सांस रुक गई रही से लड़का के मौत हो गई रही से तो लापरवाही एमा पहली लापरवाही तो ये बैगा परिवार के जब 3 बजे काटे रही से तो रात को तत्काल ले आना रही से दूसरा लापरवाही स्वास्थ्य विभाग के भी अवैध के बाद की स्वास्थ्य विभाग और सरकार लगातार ये कहा थे कि अब सुविधा के और संसाधन के कोई कमी नहीं है दूर दूर तक जंगल तक के स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा देंगे लेकिन यहाँ वो देखना नहीं मिली। जब स्वास्थ्य केंद्र में स्नेक बाइट के जब इंजेक्शन होते ओला लगा दे जा रही थी तो उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं रही थे और समय में एम्बुलेंस भी रहना रही थी जब दूर दराज में संसाधन के कमी रही थे तो इस जगह में एम्बुलेंस तत्कालिक तौर से खड़े रहना रही थे हाँ। जबकि समय में कॉल करने पर बात भी नहीं आई तो एक लापरवाही के चलते एक मासूम की जो है मौत हो गए। जी बिल्कुल और गांव में पंचायत भी होते दुख दर्द ला बताए जाते समझाए जाते लेकिन ये थुकिन आप सही कहो कि पहली लापरवाही परिवार के उकर बाद उप स्वास्थ्य केंद्र के एक लड़का चल दे सुहू बैगा आदिवासी जिन राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हर है उमला जागरूक करना आज के सबले बड़े जरूरत हावे। बहुत धन्यवाद आपके सतीश जानकारी दे पर।